दुश्मन। इमन तुम कहाँ चली गई थी कॉलेज से? मैं तुम्हारा कितना वेट किया था वहां पर। वो मैं गुड़िया के साथ उसके घर चली गई थी ना। अब ये बात जाकर अम्मी को मत बता देना, मैं खुद ही बता दूंगी। जाओ। हाल ही बोलो। नहीं वो सॉरी यार, एक इमरजेंसी हो गई थी, वहां मेरे चाचू आ गए थे ना, इसलिए मुझे वहां से जल्दी आना पड़ा। एमन तुम्हारे पास फोन है और तुम किसी लड़के से बात कर रही थी? ये मेरी दोस्त का फोन है। और तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो? तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? ये तो चल के तुम बड़ी अम्मी को बताना जरा। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब कुछ ना तुम अपनी अहमियत जताने के लिए करती। मुझे कोई शौक नहीं ऐसी हरकतों का, बल्कि मुझे तुम पे तरस आता है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए एमन, तुम छुप छुप के फोन पे लड़कों से बात करती हो, खानदान की नाक कटवा दी तुमने। शर्म तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को आनी चाहिए थी, मेरे छोटे से चाचू को फंसा कर उनसे शादी कर ली और वही मकारियाँ तुम्हें सिखा कर। चुप, आइंदा मेरी अम्मी के बारे में उल्टा सीधा कुछ मत कहना। जाओ जाओ, ना तो कभी तुम्हें सुकून मिला था और ना ही कभी तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसे धक्का क्यों दिया? पता नहीं मेरे भाई पर तुमने क्या जादू कर दिया, तुम्हारी एक आवाज पर खींचा चला आता है ये। तुम ना एक पागल लड़की हो। और तुम क्या हो? तुम दोनों में अगर बनती नहीं है तो एक दूसरे के सामने क्यों आते हो? चलो हाँ छोड़ो मेरा शामिल। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के बारे में उल्टा सीधा कहने की? आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। Thank you.